यजीदी जहन के गुस्ताख रबी दूर हो, तुझसे यार जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हाँ बोलो दिलदार साहब। हाँ कैसे हैं दिलदार साहब? बढ़िया साहब। और काम वाम से आ गए आप? हाँ आ गए साहब। अरे आजकल तो बड़े मसरूफ होंगे। दिवाली का टाइम चल रहा है। हाँ दिवाली का टाइम है। हाँ अच्छा दिलदार साहब, मुझे नंबर दिया था आपका किसी ने कि माशाल्लाह से आप थोड़ा इल्म के बहुत अच्छे जानकार हैं। अच्छा जी, जैसे मुझे ये पूछना था हाँ कि आज की तारीख में अगर कोई ये कहे कि जिब्रील मेरा मददगार है जी, तो ऐसा बोलना कैसा है? अच्छा, जिब्रील अलैहिस्सलाम। हाँ जैसे मैं, जैसे कोई कहता है ना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम यानी फरिश्ते मेरे मददगार हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे मददगार हैं जी, और ऐसा बोलना कैसा है? देखिए जंगे बदर में जो फरिश्तों ने मदद की थी, जो अल्लाह के रसूल ने दुआ करी थी अल्लाह से कि अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा, है ना, तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था वहाँ। हाँ। तो कुरान में भी जिक्र इसका है ना, सुनना, और फरिश्तों ने बेशक मदद करी थी। भाई ये तो याद है ना आपको? हाँ। तो भाई साहब फरिश्ते मदद करते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन हम पुकारेंगे सिर्फ अल्लाह को। नहीं आप समझे नहीं, सुनिए फरिश्तों को नहीं पुकारा जाएगा भाई जान, सुनिए आप समझे नहीं। जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने बदर के मैदान में फरिश्तों को भेजा, सुनिएगा, तो अल्लाह तबारक व ताला को फरिश्तों को भेजने की क्या जरूरत थी? अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ इतना कहता कुन फाया कुन, हो जा जी, तो हो जाता। अब हाँ, दूसरी चीज ये है कि जंगे बदर शुरू होने से पहले मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक निशान लगाए थे कि अबू जहल यहाँ मरेगा जी, उकबा यहाँ मरेगा जी, उतबा यहाँ मरेगा, है ना, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को ये पता था कि कौन मारेगा उनको जी। पता था ना? पता था कि फरिश्तों की जमात आएगी और वो भी मदद करेगी और वो भी मारेगी, तो मेरे नबी ने निशानदेही कर दी, तो मेरे नबी ने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह तेरी मदद कहाँ है, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब जंग के मैदान में, जब जंग हो रही है, जंग के मैदान में अल्लाह के रसूल तो फरिश्तों को देख रहे हैं, देख रहे कि नहीं, तो अल्लाह के रसूल ने फरिश्तों से गुफ्तगु की कि ऐ फरिश्तों उस काफिर को पकड़ो और मारो और मदद करो, उस सहाबा की मदद करो। तो जंग के मैदान में अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि ऐ अल्लाह ये जिब्रील अलैहिस्सलाम को तूने भेजा या इस फरिश्ते को भेजा, इससे बोल कि वो सहाबा की मदद करे उस काफिर को मारे, अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट बोला है ना। तो अब मुझे आप बताइए कि अगर कोई ये कहता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे मददगार हैं तो ऐसा बोलना कैसा होगा फिर? देखो मैं तो इस बात को बिल्कुल शिर्क मानता हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए आज ये अल्लाह हमें पानी बरसाता, अल्लाह ताला सुनना, अल्लाह पानी नहीं बरसाता, अल्लाह बारिश नहीं बरसाता, बात सुनिए, अगर हमें अल्लाह हुक्म देता है पड़ेगी तो हम सिर्फ अल्लाह को पुकारेंगे। अरे सही मेरी बात को, भाई ड्यूटी है इनकी। अच्छा। लेकिन पुकारा सिर्फ अल्लाह को ही जाएगा, जैसे जंगे बदर में मैंने अभी बताया आपको, मैंने उसका जवाब दिया आपको, अल्लाह से दुआ करिए, मैंने आपको उसका जवाब दिया। अल्लाह के रसूल ने जंग के मैदान में डायरेक्ट फरिश्तों से कहा कि इस काफिर को मारो और सहाबा की मदद करो। हाँ तो कर रहे थे वो, हाँ तो ठीक है, वो तो क्या ठीक है, अभी तो आप मना कर रहे हैं, पुकार नहीं सकते, शिर्क होगा, लेकिन तो शिर्क ही है। अरे कैसे शिर्क है, अल्लाह के रसूल ने शिर्क किया फिर?
अच्छा ये बताइए कि आपका आपका अकीदा, एक मिनट आपका अकीदा क्या है कि दुनिया से जाने के बाद क्या अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूबरू आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं मदद करने? नहीं आ सकते। तो अब अगर ये साबित हो जाए हदीस से कि अल्लाह के रसूल ने हमें ये तासुस दिया है, ये तरीका बताया है और उस पर अमल भी किया है, तो ये फिर ये माना जाएगा कि फिर आप गलत हैं और शरीयत के उसूल और कानून कुछ और हैं। मेरी बात सुनिए, अगर ये हदीस आप बताओगे तो फिर ये आके बताना आपकी, क्योंकि आपकी आप बहुत ज्यादा ज़ईफ हदीसें और ये बयान करते हैं। अच्छा। तो आप ये अब यहाँ से मोबाइल से तो बोल दोगे आप? अच्छा, आप चीज तो साबित करके बता दो। चलो साबित कर देते हैं आपका। देखिए मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, जमशेद अली कादरी नाम है। अब देखिए ये हदीस है बुखारी शरीफ की। हाँ, क्या हदीस है? इसका बाप है तन्हा सफर करना। और हदीस नंबर है, जो हदीस रकम है इसकी रकम है, एक मिनट बता दूं। टू नाइन सेवन। अच्छा, ये नंबर है हदीस के बुखारी? हाँ, ये रकम नंबर है, ये किताब है ओरिजिनल मेरे पास बुखारी की, और बाप का नाम मैंने बता दिया आपको। बुखारी शरीफ है आपके पास? जी, बाप का नाम मैंने आपको बता दिया, तन्हा सफर करना बाप का नाम, और इसकी रकम है 2997। हदीस क्या है सुनिए, हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर अंबिया का कोई ना कोई मददगार था, मेरा मददगार जिब्राइल है। तो अब अगर जैसे हुजूर ने फरमाया मेरा मददगार जिब्राइल है, तो अल्लाह के रसूल ने तो शिर्क कर दिया फिर माज़ अल्लाह। नहीं, भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आया करते थे, भाईजान जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे अल्लाह के हुक्म से। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोई भी चीज लेके आते थे अल्लाह के हुक्म से। यहाँ हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरा मददगार जिब्राइल है। क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हर अंबिया पर, हर औलिया अंबिया पर वही नहीं नाजिल की? वही लेकर के नहीं आए? हर अंबिया पर आए वो तो मददगार है। तो भाई सुनो ना, सुनो भाई, जिब्रील अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक हर अंबिया पर वही लेकर के आए, आया नहीं? ठीक। हुजूर ने यहाँ पर खास किया, क्या कहा? कि हर अंबिया का कोई ना कोई मददगार था, मेरा मददगार जिब्राइल है। अब बताइए, इसमें ना तो वही का जिक्र आ रहा है, ना ही इसमें अल्लाह की तरफ से कुछ चीज लेके आने का जिक्र आ रहा है। यहाँ फरमा रहे हुजूर मेरा मददगार जिब्राइल है। हो गई आपकी बात खत्म? अब दूसरी, अभी तो शुरू किया है, अभी सुनिए। आपने कहा कि दुनिया से जाने के बाद कोई भी अंबिया रूबरू नहीं आ सकते। देखिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं मेराज की शब तशरीफ ले जा रहा था, तो मैं एक सुर्ख टीले पे खड़ा हुआ और मैंने देखा मूसा अलैहि सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब आप मस्जिदुल अक्सा पहुंचे तो आपसे पहले तमाम अंबिया वहां पहुंचे हुए थे। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद जब आप अर्शे मोहल्ला पर गए, अल्लाह तबारक व ताला ने 50 वक्त की नमाज दी आपको। वापस आए तो मूसा अलैहि सलाम ने चौथे आसमान पे आपको रोका, कहा या अल्लाह के रसूल आप क्या ले जा रहे हैं उम्मत के लिए? का 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, इसको कम कराइए, वापस जाइए। अल्लाह के रसूल वापस गए। अल्लाह ताला को तो पता था कि अल्लाह तो आलिमुल गैब है कि मूसा अलैहि सलाम मेरे नबी को 9 से 12 मर्तबा या 7 मर्तबा वापस भेजने वाला है, तो मैं एक बार में फैसला क्यों ना कर दूं? तो मूसा अलैहि सलाम ने 7, 9 या 12 मर्तबा वापस भेजा, आखिरी में 5 वक्त रह गई। अब बताइए मुझे कि दुनिया से जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम रूबरू आके कैसे मदद कर रहे हैं? और सबसे पहली बात तो यह है
कि अपनी मर्जी से हर जगह जा भी रहे हैं, पहले कहां कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, फिर मस्जिदुल अक्सा पहुंचे, फिर चौथे आसमान पर भी चले गए। और चौथे आसमान पर किसने बताया उनको कि हुजूर अलैहिस्सलाम वापस आ रहे हैं और यहीं से गुजरेंगे, यहीं खड़े हो जाओ। ठीक है, हो गया आपकी बात खत्म। हाँ, अभी रुकिए ना। तो पांच वक्त की जो नमाज हमें मिली है मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए और अल्लाह ने दिलवाई है, और अल्लाह के रसूल जब दुनिया में आए तशरीफ लाए वापस अर्श से, तो आपने सहाबा को ये सारे वाकयात बताए। उसके बाद बुखारी की दूसरी हदीस बता रहा हूँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हज्जुल विदा के तब जब आप मक्के का तवाफ कर रहे हैं तो आपने फरमाया है सहाबा अभी अभी मूसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने तवाफ किया मक्के काबे का। ठीक है, तो आप जो ये तासुस दे रहे हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम सामने नहीं आ सकते, तो आपके ये जो तासुस है ये आखिरी हदीस से मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब वो मुझे बेदारी में देखेगा। अल्लाह के रसूल को कैसे पता लगा कि कौन सा मोमिन ख्वाब में मुझे देख रहा है और मुझे बेदारी में मुलाकात करने जाना है? अगर ये इल्म मेरे, हाँ ये इल्म मेरे नबी को है कि मेरा बंदा सोएगा और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो मुझे ही देखा, शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता, मैं ही जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल को ये पता है कि मोमिन सोने वाला है और मुझे जाना है, ख्वाब में जियारत करानी है, उसके बाद मैं उससे बेदारी में मिलूंगा, अनकरीब मुझे बेदारी में देखेगा। तो जब मेरे नबी, हाँ सुनिए ना भाई, जब मेरे नबी को ये पता है कि मोमिन सोएगा मुझे जाना है, तो मेरा नबी मदद क्यों नहीं कर सकते? अब आपका जो अकीदा था कि नबी रूबरू नहीं आ सकते, ये हदीस और कुरान की नस्से कतई से क्या हुआ, खारिज साबित हुआ। आप मुझे दलील दें कि अल्लाह ने कहीं फरमाया हो कि दुनिया से जाने के बाद कोई अंबिया किसी के सामने रूबरू नहीं आ सकता और दुनिया से जाने के बाद मेरे नबी से तुम्हारे लिए मदद लेना शिर्क हो जाएगा, दलील दें। अब सुनिए आप, एक बात तो आपकी खत्म नहीं हुई और दूसरी आपने छेड़ दी। सबसे पहली अपना टॉपिक ये था कि फरिश्तों से मदद मांग सकते नहीं मांग सकते, है ना, सबसे पहले टॉपिक ये था अपना। अब आप मेरी एक बात सुनिए, किसी भी सहाबा इकराम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ताबेईन तबा ताबेईन जितने भी लोग हैं, क्या आज तक किसी ने फरिश्तों से मदद मांगी? क्या अल्लाह के रसूल ने जंगे बदर में क्या ये कहा कि फरिश्तों हमारी मदद करो? अल्लाह से दुआ करी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और जंगे बदर में उन काफिरों का कत्ल करा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप एक चीज बोलते हो जैसे कि कुरान की आयत है कि सब्र और नमाज से मदद तलब करो। अब आप कहते हो इस चीज को कि नमाज और सब्र से, वो तो गैरुल्लाह है, अल्लाह तो कह रहा उनसे मदद मांगने की। तो मेरी बात सुनी, तभी किसी ने ये कहा कि ए नमाज मुझे ये अता कर दे, ए सब्र मुझे ये अता कर दे? उसका तो मतलब ये है कि नमाज पढ़ के और सब्र करके अल्लाह से दुआ की जाए। तो इस तरह की जो आप बातें करते हो ना, क्या ये सही है? आपको ये सही है क्या ये बात है कि नमाज सब्र से? आपने कभी तुम्हारी जिंदगी में, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपने भी कभी जिब्राइल या किसी फरिश्तों को या किसी सब्र से या किसी नमाज से आपने कभी दुआ करी आपने ये चीज की, या किसी ने करी ये चीज की दुआ? आज तक किसी ने ये दुआ नहीं करी। और ना इस हदीस, किसी हदीस में है कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा हो कि मेरे नबी से मदद तलब करो? अल्लाह के रसूल ने तो अपनी पूरी जिंदगी भर सहाबा इकराम को यही और हम सबको यही पढ़ाया कि अल्लाह से मदद तलब करो। ये नई नई बातें भैया, ये कहां से लाते हो आप? देखिए आपका हो गया, पहले टॉपिक आपका। सुनिए 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 भाई, सुनिए सुनिए, आपने जो बातें कही है बिना सर पैर की जो बातें आप छेड़ रहे हो, आपने सबसे पहले, सुनो भाई सुनो, खामोशी से सुना ना मैंने, सबसे पहले आपने ये कहा कि नमाज और सब्र से तुमने मदद मांगी, ठीक है, अभी मैं उसका जवाब दूंगा। पहले मैंने आपको जवाब, मैं जवाब देता हूँ, रुक जाओ। पहले आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने एक हुक्म लगाया कि शिर्क है जिब्रील अलैहिस्सलाम को मददगार कहना, शिर्क है
ये मानना कि अंबिया दुनिया से जाने के बाद सामने आ सकते हैं, आपने इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि है ही नहीं आपके पास जवाब। दूसरी बात, आपने ये कहा कि अल्लाह के रसूल ने, खामोश रहो, अल्लाह के रसूल ने, अरे खामोश। दूसरा सवाल आपने ये किया, अरे रुक जा भाई, बदतमीजी मत करो, मैंने सुना ना बिल्कुल इत्मीनान से तुम्हारी बात को, सुनी ना, खामोश रहो, खत्म हो दो आप। हाँ तो सुन लो ना, तुम्हारे सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। तुमने कहा कुरान और हदीस में कहीं ये है कि मेरे नबी से मदद तलब करो, तुमने ये बोला। कुरान को तुमने पढ़ा है? हाँ पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा। अच्छा, अल्लाह तबारक व ताला ने कहा ए नबी ये तुमसे मेरे बारे में कहते हैं, खामोश रहो ना भाई, खामोश। आपने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं नहीं फरमाया, आपने पढ़ा नहीं, अब जिसके नजरिए से पढ़ा उसका नजरिया गलत। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है ए नबी ये तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं, इनसे कहो कि मैं मोमिनों की शाहों से ज्यादा करीब हूँ, अल्लाह ने फरमाया ना। हाँ। उसके बाद अल्लाह ने दूसरी आयत में क्या फरमाया, मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। हाँ ठीक है। तीसरी बात, सूरे क्या नाम है, अल्लाह तबारक व ताला ने सूरे निसा आयत नंबर 64 या 59 गालिबन आपने क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ, और जब मेरा नबी तुम्हारे हक में दुआ कर दे तो तुम अल्लाह को बेहतर बख्शने वाला पाओगे। तो अल्लाह तो खुद अपने नबी की बारगाह में भेज रहा है गुनाह कबीरा के बाद। तो दुनिया में मौजूद थे तो जब, अच्छा तो ये आयत मनसूख हो गई, ये फिर आयत मनसूख हो गई, आयत मनसूख क्यों होगी, तो फिर क्या ऐसे अमल करोगे, अमल कैसे करोगे अब कैसे अमल करोगे, दुआ कराया करते थे, अब कैसे अमल करोगे इस आयत पर। तुम्हें तो तुम कुरान को तर्जुमे से पढ़ते हो ना, खामोश, तुम कुरान को तर्जुमे से पढ़ते हो ना। हाँ पढ़ता हूँ ना। इस पर अमल कैसे करोगे इस आयत पर बताओ जरा। इस आयत पे ये बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर अब अमल कैसे करोगे, अब अमल कैसे करोगे, कहाँ इसमें कहाँ लिखा आयत में थे, इस आयत में कहाँ लिखा, अल्लाह ने कहाँ फरमाया, अल्लाह ने इस आयत में कहाँ फरमाया जब तक मेरा नबी है तब तक के लिए आयत है, उसके बाद नहीं अमल में नहीं आएगी, कहाँ लिखा इसमें, इसमें क्या लिखा भी लिखी, तो इसकी तफसीर में क्या लिखा है, इसकी तफसीर में क्या लिखा है, कुरान की तफसीर में क्या लिखा है, इसकी तफसीर किसने की है, आयत की तफसीर किसने की है, इब्ने कसीर पढ़ी है, तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी है, तफसीर जलालैन पढ़ी है, तफसीर मदारिक पढ़ी है, कुरान उतरा ना, मेरी बात नहीं समझे, कुरान के अंदर क्या लिखा है, ए ईमान वालों नमाज कायम करो, कयामत, सुनो भाई, ए भाई सुनो, कुरान कहता है ईमान वालों नमाज कायम करो, तो ये कुरान उस वक्त के लिए आया था, सहाबा को हुक्म दिया था नमाज कायम करो, तो तुम अभी अमल क्यों कर रहे हो उस पे? इस पे अमल नहीं कर रहे, कुरान कह रहा है ईमान वालों नमाज कायम करो। हाँ। तो ये तो हुजूर के वक्त के लिए आई थी आयत, इसमें अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये कयामत तक के लिए कुरान है, तो यही आयत सेम है, और ना अल्लाह ने इसमें फरमाया कि ये सिर्फ तुम्हारे, और यही आयत सेम है ना, तो अल्लाह ने इसमें फरमाया कि ये सिर्फ तुम्हारे वक्त के लिए है, कयामत तक के लिए इस आयत पे अमल नहीं होगा, दोनों सेम सेगा है। अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो, तो सहाबा के लिए हुक्म आया, अल्लाह के रसूल ने सहाबा को बता दिया, तो तुम तक तो हुक्म आया नहीं, तुम्हें तो अल्लाह के रसूल ने बोला नहीं था कि फलाना पेंटर साहब जरा तुम नमाज कायम करना। तो यार मेरे भाई जैसे जंगे बदर की जो आयत है, फिर जंगे बदर में जा रहे हो, मैंने कहा इस आयत पर अमल कैसे करोगे, एक मिनट, इस आयत पर अमल कैसे करोगे, इसका मतलब यही है कि कहा, मतलब किसने बयान किया इसका, किसने किया तफसीर में तो नहीं है, तफसीर में नहीं है, तफसीर में नहीं है, जो तुम मतलब बता रहे हो अपने पेट से क्यों बता रहे हो, पेंट है क्या, जो दीवार पे जैसा मर्जी मार दो। अरे तो मेरे भाई तफसीर तो तुम्हारे तो तफसीर किसने की है, तफसीर किसने की है, कुरान की तफसीर है, किसकी अलग अलग तफसीर है, तर्जुमा बता रहा हूँ मैं तो, तफसीर इस आयत पर कैसे छोड़ो, तुमको पकड़ू आयत, इस आयत की तफसीर सबने बराबर की है, चाहे इब्ने कसीर उठाओ, जलालैन उठाओ, तफसीर मदारिक उठाओ, तफसीर बैजाबी उठाओ, सबने इस आयत की तफसीर बराबर की है कि जब अपनी जानों पे जुल्म करो, यानी जब अपने ऊपर गुनाहे कबीरा कर लो, यानी तुम गुनाहे कबीरा कर चुके हो, तो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ, बारगाह में आ जाओ। हाँ सही है। और मेरा नबी तुम्हारे हक में दुआ कर दे, अल्लाह को बेहतर बख्शने वाला पाओगे। अब बताओ मेरा नबी कब्र में जिंदा है कि नहीं, नहीं है कब्र में जिंदा, नहीं है नबी,
नहीं है आखिरत में जिंदा है? नहीं, कब्र में जिंदा नहीं है मेरे नबी। बरजख की जिंदा? बरजख किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मूसा अलैहिस्सलाम कैसे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे? अभी मेरी बात सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ रहे थे? मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ रहे थे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिंदगी थी वो। अभी कब्र की बात हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र से निकल के मस्जिदुल अक्सा कैसे पहुंच गए? सारे आदम मूसा अलैहिस्सलाम कब्र से उठ के मस्जिदुल अक्सा कैसे पहुंच गए? बार बार मेरी बात सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र से उठ के मस्जिदुल अक्सा कैसे पहुंच गए? ये बात का तो है ना। तुम्हारी जहालत अवाम को दिखाऊंगा ना कि एक पेंट करने वाला, रेगमाल घिसने वाला, पत्तियां रगड़ने वाला दीन सिखा रहा है ना? जो प्राइमर मार के पेंट मारता है, जो पूरे दिन दीवाल को घसीटता है, वो दीन को घसीट रहा है। मैं पूछ रहा हूँ अरे शिर्क मैं पूछ रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ रहे थे? मस्जिदुल अक्सा कैसे पहुंचे? चौथे आसमान पर कैसे पहुंचे? जवाब दे। अगर वो तो अल्लाह के रसूल कैसे रूबरू नमाज पढ़ा रहे हैं? दुनिया में जिंदा आए थे या उनकी रूह आई थी सिर्फ? अरे मैं कह रहा हूँ अंबिया इकराम को जिस्मानी तौर पे नमाज पढ़ाई थी या सिर्फ अंबिया की रूह आई थी वहाँ पे? तू मेरी बात सुन। अबे जाहिल पैंकर, क्या पूछ रहा हूँ मैं? अंबिया की जमात जवाब नहीं है। अंबिया की जमात जिस्मानी तौर पर आई थी या नहीं आई थी? तू तासुस दे रहा ना, तेरा तासुस रद्द कर रहा हूँ, हदीस से कर रहा हूँ। हदीस नहीं पढ़ूँ तेरे को पढ़ूँ? अरे तू ज़ईफ हदीस तो पढ़ता है। अल्लाह मुस्लिम शरीफ की हदीस ज़ईफ है? अरे तू मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद मस्जिदुल अक्सा में आए, मेरे नबी ने 1,24,000 पैगंबर को नमाज पढ़ाई। तो मर गए सारे अंबिया, दुनिया में रूबरू नहीं आ सकते, तो मस्जिदुल अक्सा में इकट्ठा कैसे हुए उसका जवाब दे। और मूसा अलैहिस्सलाम मक्के का तवाफ कैसे कर रहे थे हुजूर के साथ उसका जवाब दे। पहले तो तू मुझे ये जवाब दे कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया क्या कि मुझसे मदद मांगो? बिल्कुल फरमाया अल्लाह के रसूल, बिल्कुल फरमाया, बिल्कुल फरमाया। बता रहा हूँ इमाम बुखारी को कितनी हदीसें याद थी? इमाम बुखारी को 600,000 हदीसें याद थी। इमाम बुखारी तुमको कितनी हदीसें दे पाए? 15,000। बाकी हदीसें कहाँ गई? तेरे तक सारी हदीसें पहुंच गई थी? अबे जाहिल, तुझसे पूछ रहा हूँ ना, तो अइम्मा का कॉल देखेगा ना? अबे मुहद्दिसीन का कॉल देखेगा ना? मुहद्दिसीन का फेल देखेगा ना? मुहद्दिसीन का अकवाल देखेगा ना? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब वो मुझे बेदारी में देखेगा। अरे तू पागल है क्या? पागल? अबे जाहिल गवार बेवकूफ, कुरान की आयत तुझे दी ना मैंने? पागल के मुंह देखो, गाली बकने लग गया। पेंटर साहब नाराज हो गए। पेंटर साहब के पास जवाब नहीं है। अरे पेंटर साहब सुनो ना, जिस काम को तुम्हारे बाप ने सिखाया, सुनो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें पूरी जिंदगी रेगमाल घिसना सिखाया, पेंट चलाना सिखाया और ब्रश मारना सिखाया, हर काम अच्छा होता है तो उस काम पे तवज्जो दो ना। तुम दीन सिखाने बैठ गए साले जाहिल, दीन सीखना तो मदरसे जा पहले। अबे तू भी तू गधा कहीं का काम कर रहा है? कौन सा काम कर रहे हैं हम? तो तौहीद की दावत देते हैं। कौन सी तौहीद? तौहीद की तारीफ क्या है? तौहीद किसको कहते हैं? तौहीद किसको कहते हैं? तौहीद किसको कहते हैं? अबे तौहीद क्या होती है? अल्लाह को एक मानना। कहाँ लिखा है तौहीद की तारीफ है? तौहीद की अल्लाह के सिवा मैं कह रहा हूँ अल्लाह को एक मानना, ये तौहीद की तारीफ है। कहाँ लिखा? कुलू अल्लाह वाद नहीं होता। आयत नहीं पढ़नी आती तुझे? कुलू अल्लाह वाद नहीं होता तुझे? बहुत आयत पढ़ना। छोटी काफ नहीं है, बड़ी काफ है। गधे काट के उल्लू कुरान पढ़ रहा है। चल बता जल्दी, तौहीद की तारीफ क्या है? तौहीद किसको कहते हैं? देखिए सामिन इकराम, ये है पेंटर साहब। कहाँ गया? अरे ये साले जाहिल घामड़ निकले हैं दीन सिखाने। ऐसे ऐसे घामड़ पैदा हो गए हैं कि पेंट करने वाले भी आजकल दीन की तबलीग कर रहे हैं।
नहीं नहीं, ये कॉल करके भाग गया, इसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, अभी लगाता हूँ। लगा दोबारा? हाँ लगाइए, सही से उसको लपेटेंगे ना। हाँ अभी लाइन पर है, लगाइए लगाइए, इसको छोड़ना नहीं है। भाई लाइन पर है क्या? बाहर मुझे कुत्ता काट लेगा। लगाता हूँ। अब ये रिसीव नहीं कर रहा है। अब वो करेगा ही नहीं। हेलो, वो करेगा ही नहीं, जाहिलों के पास कुछ है ही नहीं। इसकी जो है बौखलाहट जो है ना सारी हो गया। बौखलाहट की बात नहीं, ये लोग अटधर्मी में, सुनिए, ये लोग अटधर्मी में अड़े हुए हैं। जब हदीस की नस्से कतई से, कुरान की नस्से कतई से दलील मौजूद है, ठीक है, उसमें अपनी मंतिक घुसा रहे हैं। ये जो अपनी मंतिक घुसाएगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने कुरान में अपनी राय चलाई वो अपना ठिकाना जहन्नम में करे। और इस पर हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम ने सजा भी दी है, मौत की सजा दी है एक जमात को जिसने कुरान में अपनी राय दाखिल की। हजरत अली को काफिर कहा था। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान में जो बुतों के ताल्लुक से, काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों पे चस्पाते हैं ना, वो खारजी बदतरीन मखलूक समझता हूं मैं उनको। अब इन जाहिलों को ना तो देखिए कुरान के अंदर, अब देखिए सूरह मरियम अगर आप पढ़ेंगे तो जिब्रील अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं हजरत मरियम से कि मैं तुझे एक पाक साफ सुथरा बेटा देने आया हूं। तो अब बताइए कि आप उनको कहना चाहिए था ना जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह देगा, और अल्लाह तबारक व तआला को क्या जरूरत थी जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजने की? अल्लाह तबारक व तआला तो सिर्फ इतना कहते हैं कुन फायकुन, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में कि तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह, सबसे पहले अपने आप को रखा, फिर जिब्राइल, नेक मोमिन सालीन बंदे, तुम्हारे तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मदद के लिए मुकर्रर करके रखा है। और इब्ने हम्बल, हजरत इमाम इब्ने हम्बल फरमाते हैं, हदीस लेकर के आए कि ऐसे बहुत से बंदे अल्लाह के हैं कि जो गैब में है, गायब हैं, और वो मदद करते हैं। वो जब हज के लिए जा रहे थे तो रास्ता भटक गए और उन्होंने खुद इस पर अमल किया और उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के पोशीदा बंदो मेरी मदद करो, ठीक है, और उनकी मदद हुई। तो बहुत से अमल, अब देखें आप किसी भी मुहद्दिसीन का, फुकहा का, किसी का भी अमल आप देख लें, गैब में मदद मांगना और गैब में मदद के कायल और वसीले के कायल हैं। किसी की भी किताब आप उठा लें। अब देखें रही बात हदीसों की, तो ये वहां भी कहते हैं कि भाई किसी हदीस में मौजूद नहीं है। तो इन जाहिल घामड़ों से पूछो कि क्या सारी हदीसें तुम तक पहुंच गई हैं? अब जो चीज देखिए, जो चीज अमल में होती है ना, मुहद्दिसीन बहुत कम उसको कोट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अमल में है कि बैठ के इस्तिंजा करना, ठीक है, लेकिन इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी में बैठ के इस्तिंजा करने की एक भी हदीस नहीं लिखते, लेकिन उनका अमल बैठ के इस्तिंजा करने का था। समझे नहीं समझे? तो जो चीज अमल में होती है और जो चीज अमल में चली चली जाती है तो उस पर तवज्जो नहीं दी जाती ज्यादा। जैसे नमाज की तवज्जो है, पांच वक्त की नमाज, ठीक है, तो नमाज पांच वक्त की है, मुकम्मल नमाज और वाजिब और सुन्नत किसी हदीस में आपको नहीं मिलेगी रकात के साथ, ठीक। ये किसने हमें बताया? अइम्मा ने बताया, फुकहा ने बताया, मुहद्दिसीन की जमात ने बताया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बहुत से मुहद्दिसीन ऐसे हैं कि उनको इतनी हदीसें याद थी लेकिन वो सारी हदीसें हम तक नहीं पहुंचा पाए, जितनी पहुंची पहुंच गई। अब ये जो 80-90 साल से ये वहाबी फिरका और देवबंदी फिरका जो ट्रेंड में आया है ना, ये समझे, इन्होंने ये फितना बपा किया है कि गैब में मदद मांगना शिर्क है। अब अगर आप देखेंगे कि अहले हदीस के बड़े बड़े मोतबर आलिम की किताब उठाएं, आप इब्ने तैमिया की फतावा मजमुआ उठाएं, इब्ने कसीर की उठाएं, उसके बाद आप फतावा नजीरिया उठाएं, ये सब मदद के कायल हैं, वसीले के कायल हैं। और जब वहाबी को इनके अपने बाप दादाओं की किताबें दिखाओ तो ये कहते हैं कि हम उनकी नहीं मानेंगे, हदीस से दिखाएं। समझे जमशेद भाई? जी, तो ये इनका हाल है। अब देवबंदियों के बड़े बड़े अकाबिर ने खुद मदद और वसीला मांगा है। तो ये ऐसे जाहिल लोग हैं कि जो आज के टेक्नोलॉजी मीडिया और आज के टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं,
किताबों से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब अगर कोई समझदार शख्स होता तो जितनी हदीस और दलील देने के बाद वो सीखता, समझता, कहता भाई आप एक काम करो, आप मुझे ये सारी चीजें भेजो, मैं देखता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो तौबा करूंगा। लेकिन नहीं, इसकी जुबान में दिल में अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, इसकी तौबा इसको मुअस्सर ही नहीं है, गालियां बकेगा भी है। समझे नहीं समझे? शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, ये लोग फौरन मुंह से कह देते हैं शिर्क है, ये लोग शिर्क को हल्के में लेके रखते हैं। चलिए जमशेद भाई रिकॉर्डिंग डालिए, इसका नंबर जो है ना